राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पथ संचलन निकाला गया। आपको बता दें मुख्य वक्ता के रूप में पर्यावरण जिला संयोजक डोगर सिंह पवार उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि संघ का कार्य राष्ट्रीय को अखंड भारत की ओर अग्रसर करना है। अधिक से अधिक स्वयंसेवक संघ कूड़ गणवेश में कदम से कदम मिलाकर अनुशासित तरीके से नगर में चले और शुरुआत में पूजन एवं संघ संचालक मेघवाल जायसवाल ने शुरुआत करते हुए पूजन आरंभ किया और पथ संचलन स्थान मंडी से प्रारंभ होकर ग्राम के मुख्य मार्गों से होकर आदर्श शिक्षा निकेतन में समाप्त हुआ। देखिए भाई साहब, आज सूर्य संचलन पथ संचलन निकाला गया, जिसमें किन किन मार्गों से पथ संचलन निकला? ग्राम के मुख्य मार्गों से मंडी प्रांगण से प्रारंभ होकर आधा शिक्षा निकेतन में समाप्त। इसमें मेन उद्देश्य क्या है अपने संचलन का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन का एक ही उद्देश्य है, संपूर्ण हिंदू समाज के प्रत्येक बंधु एक जैसे होना चाहिए, समरस, सब एक वेशभूषा में एक साथ कदम मिलाकर एक दिशा में चलते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है संचलन की, अर्थात संकेत पर सभी हिंदू समाज एक साथ चलता है। लगभग कितने वर्षों से जीवन में निकल रहा है? लगभग मेरी संघ आयु 22 वर्ष है और संचलन लगभग 22 वर्षों से देख रहा हूँ। आपका दायित्व क्या है भाई साहब? मैं शहरी शिक्षण प्रमुख खंड झेल। राहुल कुमार के साथ यह पूरी रिपोर्ट।